करते हैं पोषण करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे फिंच के दाने के बारे में, क्या क्या दाना हम फिंच को देते हैं वो आज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डीलक्स कंगनी दाना रखा हुआ है फिंच के लिए, ये डीलक्स कंगनी दाना बहुत अच्छा होता है फिंच के लिए। इसके साथ मैंने यहाँ पे ब्लैक सीड रखा है, और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पास 9 टियर फिंच है, तो इस 9 टियर फिंच के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम डीलक्स कंगनी दाना रखा है, और इसके साथ मैं 10 ग्राम जो ब्लैक सीड है उसको मिक्स करके मैं ये 9 टियर फिंच को दूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे रखा है कैटल फिश बोन, जिसको मैंने छोटा छोटा पीस करके रखा हुआ है कैटल फिश बोन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये कैटल फिश बोन कैल्शियम मिनरल्स का एक रिसोर्स है, तो इसको भी आप फिंच के केज में छोटा छोटा पीस करके रख सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से इसको इससे इसको खाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इस दाने को मिक्स कर देती हूँ, मिक्स करके फिंच को देती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये कांगनी दाना, डिलक्स कांगनी दाना और ब्लैक सीड का मिक्सचर मैंने रेडी कर दिया है। इसे मैं अलग अलग कटोरी में दे के फिंच को अलग अलग केज में सब दे दूंगी खाना। तो चलिए दोस्तों ये जो फूड है ये 9 पेयर फिंच के करीबन 2 दिन का फूड है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना थोड़ा थोड़ा खाता है। जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये करीबन 2 दिन चल जाएगा फिंच का, 9 पेयर फिंच का। और एक बार दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पानी का जो कंटेनर है वो थोड़ा अलग सा रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्यों ये कंटेनर रखा है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिंच पानी लेने के बाद फिंच उससे नहा लेता है उस पानी से, तो जैसे कि अभी सर्दी का मौसम है तो अगर आप ऐसे कंटेनर में फिंच को पानी देंगे तो वो नहा नहीं पाएगा, तो इससे उसको सर्दी लगने का चांस भी कम है और उसका हेल्थ भी ठीक रहेगा, इसीलिए मैंने इस कंटेनर में फिंच को पानी दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब